So now we are going to discuss about WBC. WBC, that is white blood cells or white blood corpuscles. WBC are also known as leukocyte. Leuko is white or colorless and cyte is cell. Agar aapne dekha, that is shape. Dekho, WBC has, they are all nucleated. Nucleated because nucleus is present. They are colorless. Okay? Ye colorless hai. They can change their shape. So, usko bolte amoeboid. Okay? Dekho, kya kya points aapko yaad rakhna hai? In case of the WBC, shape is nucleated. They are colorless. They are amoeboid. Amoeboid matlab they can change their shape. Okay? Even WBC can come out. They can come out of the blood vessels. For example, agar mujhe kuch injury hua. Okay? तो ये इंजरी जब भी होगा तो वहां पे अगर इन्फेक्शन मुझे कुछ हुआ तो ये इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करेंगे, लेकिन फाइट कौन करेंगे? दैट इज डब्ल्यूबीसी. दे कैन कम आउट ऑफ द ब्लड वेसल्स, मतलब ब्लड वेसल से बाहर आएंगे और वो इन्फेक्शियस पार्टिकल के साथ फाइट करेंगे. तो दैट फिनोमिना इज नोन एज डायापेडेसिस. डायापेडेसिस का मतलब क्या है? दे कैन कम आउट ऑफ द ब्लड वेसल. They can squeeze out of the blood vessels. देखो कभी कभी है ना आपको इंजुरी होगा, इंजुरी होने के बाद sometimes there is a formation of pus. Pus formation होता है ना, तो ये pus मतलब क्या है? Pus is nothing but dead WBC. मतलब जो WBC infection के साथ fight करते हुए शहीद हो गए वो क्या form करेंगे? Pus form करेंगे. So pus मतलब dead WBC. मतलब WBC कैन कम आउट ऑफ द ब्लड वेसल्स. WBC ब्लड वेसल के बाहर आएंगे, इन्फेक्शन के साथ फाइट करेंगे, तो उनका जो प्रॉपर्टी है दे कैन कम आउट ऑफ द ब्लड वेसल्स, उसको बोलते हैं डायापेडेसिस. दे कैन कम आउट ऑफ द ब्लड वेसल्स, दे कैन स्क्वीज आउट ऑफ द ब्लड वेसल्स, तो उसको बोलेंगे डायापेडेसिस. ओके, साइज देखो कितना है. कंपैरेटिवली they have the bigger size, 8 to 11 micrometer. अगर RBC और platelet से compare किया, तो उनका size definitely बड़ा है. Okay? They are in thousands. देखो, RBC थे in millions, 5 to 6 millions and 4 to 5 millions. Now they are in thousand, 5,000 to 11,000 per cubic millimeter. Okay? 5,000 to 11,000 per cubic millimeter. मतलब WBC का नंबर कम है एज कंपेयर टू RBC. अगर मुझे दोनों का रेशियो फाइंड आउट करना है, मतलब एक WBC के पीछे कितना RBC है, तो अगर मैंने एक WBC लिया तो उसके पीछे रहेंगे 300 RBC. सो ऑलवेज रिमेंबर द रेशियो फॉर RBC इज टू WBC इज टू RBC इज 1:300. ओके, कितना है? मतलब अगर मैंने ब्लड लिया, ये ब्लड के अंदर अगर 300 RBC है तो देर विल बी ओनली 1 WBC बिकॉज WBC आर इन 1000 और उनका लाइफ स्पैन भी कम है. कितना लाइफ स्पैन है? 3 to 4 days. ओके, व्हाट इज द लाइफ स्पैन? 3 to 4 days. तो फॉर्मेशन ऑफ WBC, WBC का जो फॉर्मेशन है उसको बोलते हैं ल्यूकोपोएसिस. ल्यूको इज अगेन व्हाइट, पोएसिस इज फॉर्मेशन. Formation of WBC is known as leukoparesis. So leukoparesis hota hai kidhar hai? In red bone marrow, tonsils. Okay, leukoparesis kidhar hoga dekho? Red bone marrow. Red bone marrow aapko pata hai kidhar hai? At the end of the long bones. Kahan pe hai? Epiphysis ke andar. Tonsils aapke pata hai na? That is pharynx mein aur buccal cavity mein. Dekho, there is a soft palate. Soft palate ke baju mein tonsils hai. तो टॉन्सिल्स क्या है? लिम्फोइड टिश्यू है. तो लिम्फोइड टिश्यू के अंदर क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ WBC. थाइमस. थाइमस क्या है? इज ऑर्गन. ये ऑर्गन है हार्ट के पीछे, बिहाइंड योर हार्ट एंड एवोटा. क्या लोकेटेड है? थाइमस लोकेटेड है. थाइमस के अंदर भी क्या होगा? ल्यूकोपोएसिस. स्प्लीन. स्प्लीन मैंने बताया, पैनक्रियास के पास स्प्लीन है. ये स्प्लीन के अंदर क्या है? देयर विल बी ल्यूकोपोएसिस. ल्यूकोपोएसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ WBC. So, spleen is an organ located near pancreas. Peyer's patches. अभी ये Peyer's patches है किधर? Peyer's patches are present in the intestine. Okay, intestine के mucosa, sub mucosa में there are Peyer's patches.
और ये पैचेस में भी क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी होगा या फिर लिम्फ नोड। लिम्फ नोड आपके बॉडी में थ्रू आउट है, लेकिन हाईएस्ट नंबर ऑफ लिम्फ नोड किधर है, नेक रीजन में है, देन आर्मपिट्स में है, आर्मपिट्स पता है, एंड देन देयर इज अ ग्रोइन रीजन। ग्रोइन रीजन मतलब जहां पे आपके हाइंड लिम्फ है ना बॉडी को अटैच होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ग्रोइन रीजन। तो ये ग्रोइन रीजन भी क्या है, जहां पे लिम्फ नोड आर मैक्सिमम। सो लिम्फ नोड किधर किधर है, दे आर मैक्सिमम इन आर्मपिट्स, ग्रोइन रीजन है, एंड दैट इज नेक रीजन। सो आई जस्ट ड्रॉ सम स्कीमेटिक डायग्राम। ओके सो दिस इज अ नेक रीजन, राइट नहीं? ओके देन यू कैन सी दिस इज दिस रीजन इज कॉल्ड एज आर्मपिट रीजन। दिस इज वेरी स्कीमेटिक डायग्राम, स्कीमेटिक डायग्राम है, याद रखोगे। ओके तो यहाँ पे लिम्फ नोड मैक्सिमम है, ये नेक रीजन में लिम्फ नोड मैक्सिमम है। और अगर आपने देखा ये पोर्शन जो आपको दिखेगा ना, ये पोर्शन, ये देखो ये पोर्शन, दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज ग्रोइन रीजन, दिख रहा है ये ग्रोइन रीजन। तो नेक रीजन में मैक्सिमम है लिम्फ नोड, आर्मपिट्स में मैक्सिमम है, और ग्रोइन रीजन में मैक्सिमम लिम्फ नोड है, जहां पे क्या होगा, देयर विल बी ल्यूकोपोरोसिस, वहां पे ल्यूकोपोरोसिस होगा। ओके अगेन डब्ल्यूबीसी का नंबर इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा। अगर इंक्रीज हो रहा है मतलब अगर आपको कुछ इन्फेक्शन है तो इंक्रीज हो सकता है, बराबर नहीं? सो दैट इज कॉल्ड एज ल्यूकोसाइटोसिस। इंक्रीज इन नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी, इंक्रीज इन नंबर ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स, उसको बोलेंगे ल्यूकोसाइटोसिस। आपको याद रखना है ये टर्मिनोलॉजी, ल्यूकोसाइटोसिस इज इंक्रीज इन नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी। देन अगर डिक्रीज हुआ, डिक्रीज इज कॉल्ड एज ल्यूकोपेनिया। अगर 4000 से भी डब्ल्यूबीसी नंबर कम हो गए तो उसको बोलते हैं ल्यूकोपेनिया। तो ल्यूकोपेनिया कभी होगा, डिसीज में एचआईवी एंड ट्यूबरक्यूलोसिस। अगर किसी पर्सन को एचआईवी इन्फेक्शन हुआ या फिर ट्यूबरक्यूलोसिस का इन्फेक्शन हुआ तो डब्ल्यूबीसी का नंबर डिक्रीज हो सकता है, बराबर? कितना डिक्रीज हो जाएगा, लेस देन 4000। आर यू गेटिंग? ओके एंड अगर सपोज कभी कभी क्या है, बोन मैरो का भी कैंसर होता है, तो ये बोन मैरो के कैंसर में डब्ल्यूबीसी का नंबर बढ़ेगा, एबनॉर्मली बढ़ेगा। सो पैथोलॉजिकल इंक्रीज इन नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी, उसको बोलेंगे ल्यूकेमिया। याद रखो ल्यूकेमिया इज द ओनली कैंसर, ल्यूकेमिया इज द ओनली कैंसर इन, इट इज इन लिक्विड स्टेट, सो इट कैन स्प्रेड इन एंटायर बॉडी, बराबर की नहीं? तो ल्यूकेमिया एक्चुअली है कैंसर बोन मैरो का, लेकिन सेल्स किधर एक्यूमुलेट होंगे, ब्लड में एक्यूमुलेट होंगे, बिकॉज बोन मैरो में सेल डिविजन होके ये सेल्स गेट एक्यूमुलेटेड वेयर, इन ब्लड। तो ये हुआ डब्ल्यूबीसी का इंट्रोडक्शन। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी। क्या टाइप्स है डब्ल्यूबीसी के, दो टाइप्स है बेसिकली, ग्रैनुलोसाइट्स एंड ए ग्रैनुलोसाइट। नाम से पता चलता है अगर साइटोप्लाज्म के अंदर ग्रैन्यूल्स है तो उसको बोलने का ग्रैनुलोसाइट, वेरी सिंपल। अगर साइटोप्लाज्म के अंदर ग्रैन्यूल्स नहीं है, इट इज कॉल्ड एज ए ग्रैनुलोसाइट, ए इज विदाउट। अगर ग्रैन्यूल्स आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, दैट इज कॉल्ड एज ग्रैनुलोसाइट, बराबर की नहीं? ग्रैनुलोसाइट को बोलते हैं पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर, बिकॉज उसका न्यूक्लियस का शेप अलग अलग है। ओके उसको क्या बोलते हैं, दूसरा नाम है पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर, बिकॉज इट हैज डिफरेंट शेप ऑफ न्यूक्लियस। ओके अभी ये ग्रैनुलोसाइट के भी तीन टाइप्स है, देखो क्या तीन टाइप्स है, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल। ए ग्रैनुलोसाइट के दो टाइप है, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। ओके तो न्यूट्रोफिल है, दैट इज अ फर्स्ट टाइप। अगर पूरे डब्ल्यूबीसी में देखा जाए, ओके देखा जाए कि सबसे ज्यादा नंबर किसका है, सो दैट विल बी न्यूट्रोफिल। सो न्यूट्रोफिल का नंबर सबसे ज्यादा है, सबसे हाईएस्ट। ओके सबसे लोएस्ट जो नंबर है दैट इज ईओसी, दैट इज बेसोफिल। बेसोफिल का परसेंट है 1%, बराबर? न्यूट्रोफिल का परसेंट रहेगा अप्रोक्सीमेटली 70%। मतलब आउट ऑफ ऑल डब्ल्यूबीसी सबसे ज्यादा क्वांटिटी वाला डब्ल्यूबीसी इज न्यूट्रोफिल और सबसे कम इज बेसोफिल। बेसोफिल का 0.5 to 1% है। ओके
तो ये हुआ ग्रैनुलोसाइट्स एंड एग्रैनुलोसाइट का क्लासिफिकेशन। ग्रैनुलोसाइट तीन टाइप्स है, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल। ओके, मोनो एग्रैनुलोसाइट क्या है, दो टाइप है, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। ग्रैनुलोसाइट के अंदर ग्रैन्यूल्स आर प्रेजेंट, एग्रैनुलोसाइट के अंदर ग्रैन्यूल्स इन द साइटोप्लाज्म आर एब्सेंट। और एक है, अगर आपने न्यूक्लियस देखा ग्रैनुलोसाइट का, देखो न्यूक्लियस, इट इज अ मल्टी लोब, कैन यू सी द न्यूक्लियस, मल्टी लोब, कैन यू सी द न्यूक्लियस, इट इज अ लोबुलर न्यूक्लियस। तो यहाँ पे ग्रैनुलोसाइट में द न्यूक्लियस इज सेड टू बी लोब न्यूक्लियस, छोटा छोटा लोब है, देखो वन लोब, टू लोब, थ्री लोब, कैन यू सी दिस, दिस इज अ ट्विस्टेड वन, दिस इज अ बाय लोब, दिख रही है? तो अलग अलग लोब न्यूक्लियस है, तो उसको बोलते हैं, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द ग्रैनुलोसाइट एंड एग्रैनुलोसाइट। एग्रैनुलोसाइट में लोब न्यूक्लियस नहीं, यहाँ पे किडनी शेप है, यहाँ पे सर्कुलर न्यूक्लियस है। ओके, तो न्यूक्लियस का शेप देखो, न्यूट्रोफिल में इट इज मल्टी लोब, टू टू थ्री लोब्स, इओसिनोफिल में इट इज बाय लोब, बेसोफिल में इट इज ट्विस्टेड, बराबर, मोनोसाइट में इट इज किडनी शेप, लिम्फोसाइट में इट इज सर्कुलर, यहाँ पे दिखाया नहीं है लेकिन लिम्फोसाइट के अंदर क्या है, सर्कुलर न्यूक्लियस है। Why neutrophil is called as neutrophil? Because it is going to stain with the neutral dye. जो cytoplasmic granules है ना, वो neutral dye लेंगे. So therefore it is called as neutrophil. यहाँ पे जो cytoplasmic granules है, they will take acidic dye, such as eosinophil. तो उसको बोलने का acidophil और eosinophil. अगर cytoplasmic granules ले रहे हैं basic dye. Example of the basic dye is methylene blue, तो उसको बोलेंगे basophil. Are you getting? मतलब कौन सा stain लेते हैं granulocyte या फिर cytoplasmic granules है, they are going to take what type of stain? कौन सा stain लेंगे? अगर neutral stain लेंगे तो neutrophil, अगर basic stain लेंगे तो basophil, अगर acidic stain लेंगे तो acidophil. So acidophil का, acidic stain का example है eosin. Therefore it is also known as eosinophil. Are you getting this? समझ में आ रहा है? Okay. तो क्या क्या हम लोगों ने देखा? Cytoplasmic granules present है, वो देखा, एक granulocyte में absent है. उसके बाद में क्या देखा हम लोगों ने? Nucleus का shape देखा, बराबर, multilobe है neutrophil में, bilobe है eosinophil में, twisted है basophil में, monocyte में क्या है? Kidney shape nucleus है, बराबर कि नहीं? Monocyte has got kidney shape nucleus, lymphocyte के पास है circular nucleus. Okay. उसके बाद में हम लोगों ने क्या देखा, परसेंटेज, सबसे ज्यादा परसेंटेज है न्यूट्रोफिल का, कितना परसेंटेज है, 70% है, बराबर कि नहीं? इओसिनोफिल का परसेंटेज रहेगा 1-3%, बेसोफिल का परसेंटेज है 0.5-1%. ओके, लिम्फोसाइट का सेकेंड हाईएस्ट है, दैट इज 25-30%, और मोनोसाइट का है 3-9%. ओके, सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी. तो हम लोग अभी उसका फंक्शन देखेंगे. तो यहाँ पे देखो, फर्स्ट पार्ट, दिस टेबल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज टेबल में आपको क्या क्या याद रखना है, साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल्स स्टेन विद व्हाट, न्यूक्लियस कैसा है, परसेंटेज कितने, फंक्शन. तो ये तीन पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस कर लिए, बराबर. अभी हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, फंक्शन. तो साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल्स में और ग्रैन्युलोसाइट में पहला जो है, ग्रैन्युलोसाइट का दूसरा नाम देखो क्या है, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर न्यूक्लियोसाइट. पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर न्यूक्लियोसाइट मतलब क्या है, दैट इज इट हैज गॉट डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाई, तो उसको बोलते हैं पीएमएन. पीएमएन का फुल फॉर्म क्या है, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर. ओके, शो द ग्रैनुलर साइटोप्लाज्म लोब न्यूक्लियस 70% ऑफ द डब्ल्यूबीसी. तो जितना भी डब्ल्यूबीसी है उसका 72% क्या, किसने फॉर्म किया है, ग्रैनुलोसाइट में. तीन टाइप है, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल. तो पहला पॉइंट है दैट वी ऑलरेडी वी हैव डिस्कस. पहला पॉइंट क्या है, साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल स्टेन विद अ न्यूट्रल डाय, साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल स्टेन विद एसिड डाय, तो उसको बोलते हैं एसिडोफिल और इओसिनोफिल. साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल्स ने अगर बेसिक डाय लिया मिथिलीन ब्लू जैसा, बराबर, तो दैट इज कॉल्ड एज बेसोफिल, बराबर कि नहीं? न्यूक्लियस कैसे है, 2-7 लोब, मल्टी लोब न्यूक्लियस है न्यूट्रोफिल का, बायलोब न्यूक्लियस किसका है, इओसिनोफिल का, एंड ट्विस्टेड न्यूक्लियस किसका है, बेसोफिल का. परसेंटेज भी देखो, सबसे हाईएस्ट परसेंटेज है न्यूट्रोफिल, सबसे लोएस्ट परसेंटेज किसका है, बेसोफिल. अभी फंक्शन देखेंगे, फंक्शंस वी हैव नॉट डिस्कस्ड. पहला फंक्शन देखो, न्यूट्रोफिल इज फैगोसाइटिक,
फैगोसाइटिक मतलब दूसरे सेल्स को या फिर डेड सेल्स को खाने वाला, बराबर कि नहीं? इट इज गोइंग टू एनगल्फ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको खा जाएगा, एनगल्फ करना मतलब खा जाना, सो इट इज कॉल्ड एज फैगोसाइटिक, बराबर। तो ये फैगोसाइटिक में क्या है, पस है, बराबर। पस किससे बना है, दैट इज डेड न्यूट्रोफिल, डैमेज टिश्यू एंड डेड माइक्रोब्स, तो पस इज फैगोसाइटिक। इओसिनोफिल भी क्या है, फैगोसाइटिक है। कैसा फैगोसाइटिक है, ये डिस्ट्रॉय करेगा, क्या डिस्ट्रॉय करेगा, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। एंटीजन मतलब एनी पैथोजन, फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया कैन बी एंटीजन, और बैक्टीरियल प्रोटीन कैन बी एंटीजन, वायरस कैन बी एंटीजन, वायरल प्रोटीन कैन बी एंटीजन। तो ये एंटीजन और एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स है, उसको डिस्ट्रॉय करने का काम कौन करेगा, मतलब फैगोसाइटोसिस ही करेगा, उसको खा जाएगा और डिस्ट्रॉय करेगा। ओके, जब भी आपको एलर्जी होगा, ओके, सपोज अगर मुझे कुछ एलर्जी हुआ, तो मेरे जो बेसोफिल सेल्स है, देखो इधर बेसोफिल सेल क्या रिलीज कर रहे हैं, हेपारिन एंड हिस्टामाइन। हिस्टामाइन के वजह से क्या होगा, मेरे बॉडी के ऊपर रैश आएगा, स्वेलिंग आएगा। याद है आपको, जब भी आपको एलर्जी होता है तो आपके बॉडी के ऊपर रेड रैश आता है, दैट इज बिकॉज ऑफ हिस्टामाइन, बराबर। तो हिस्टामाइन प्रोड्यूस कौन करेगा, बेसोफिल। तो नेचुरली ये हिस्टामाइन को क्या होना चाहिए, न्यूट्रलाइज भी होना चाहिए कि नहीं। तो हिस्टामाइन प्रोड्यूस कर रहा है बेसोफिल, हिस्टामाइन से वजह क्या हो रहा है, एलर्जी हो रहा है, इन्फ्लेमेशन हो रहा है, स्वेलिंग आ रहा है बॉडी के ऊपर, सूजन आ रहा है, राइट नहीं। तो उसको न्यूट्रलाइज कौन करेगा, उसको न्यूट्रलाइज करेगा इओसिनोफिल, बिकॉज इओसिनोफिल के पास है एंटी हिस्टामाइन प्रॉपर्टी। मतलब अगर मुझे एलर्जी हुआ तो मेरे बॉडी में बेसोफिल ज्यादा से ज्यादा हिस्टामाइन रिलीज करेगा, तो मेरे इओसिनोफिल का नंबर बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, बिकॉज वो हिस्टामाइन को न्यूट्रलाइज करनेगा, बराबर नहीं। तो देन आई एम गोइंग टू सफर फ्रॉम अ कंडीशन कॉल्ड एज इओसिनोफिलिया। देखो सेकेंड पॉइंट क्या लिखा है, इंक्रीज ड्यूरिंग एलर्जिक कंडीशन, तो इट इज कॉल्ड एज इओसिनोफिलिया। ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन बिकॉज इट ऑल्सो कंटेन एंटीटॉक्सिन। मतलब एंटीटॉक्सिन को क्या करेगा, डिटॉक्सिफाई करेगा, बराबर। एंटीटॉक्सिन को क्या करेगा उसको, और इट इज गोइंग टू प्रोड्यूस एंटीटॉक्सिन, टॉक्सिन के अगेंस्ट, मतलब टॉक्सिन को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा। और इसके पास क्या है, एंटी हिस्टामाइन प्रॉपर्टी है, मतलब क्या करेगा, एलर्जी भी कम करेगा। बेसोफिल के वजह से एलर्जी होगा, लेकिन ये एलर्जी कम करने का काम कौन करेगा, इओसिनोफिल। ओके, तो ये हुआ ग्रैनुलोसाइट्स का। अभी ए ग्रैनुलोसाइट देखो, साइटोप्लाज्मिक ग्रैनुल्स तो है नहीं। न्यूक्लियस देखो, मोनोसाइट इज अ लार्जेस्ट सेल, और व्हाट कैन सी, इट इज हैविंग द बिगर साइज, सबसे बड़ा सेल है डब्ल्यूबीसी में है वो मोनोसाइट। मोनोसाइट का शेप देखो क्या है, शेप ऑफ द न्यूक्लियस इज किडनी शेप, बराबर। लिम्फोसाइट कैसा है, सर्कुलर। लिम्फोसाइट का परसेंटेज देखो कितना है, 25-33%, बराबर कि नहीं। और मोनोसाइट का परसेंटेज कितना है, 3-9%, बराबर। अभी फंक्शन देखो क्या है, फंक्शन पहला है लिम्फोसाइट के दो सेल्स है, लिम्फोसाइट में भी दो टाइप्स है, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। क्यों बोलेंगे बी लिम्फोसाइट, बिकॉज इट इज गोइंग टू मैच्योर इन द बोन मैरो। मतलब लिम्फोसाइट के दो टाइप है, जो बोन मैरो में मैच्योर होगा उसको बोलेंगे बी लिम्फोसाइट, द वन विच इज गोइंग टू मैच्योर इन थाइमस, जो थाइमस में मैच्योर होगा उसको बोलते हैं टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट क्या प्रोड्यूस करेगा, एंटीबॉडीज, और ये एंटीबॉडीज किसको डिस्ट्रॉय करेगा, पैथोजन को। टी लिम्फोसाइट क्या करेंगे, खुद जाके लड़ेंगे, मतलब सेल्स आर गोइंग टू इन्वॉल्व, सेल्स खुद जाके क्या करेंगे, फाइट करेंगे। बी लिम्फोसाइट ऐसे नहीं करेंगे, बी लिम्फोसाइट क्या करेंगे, उनके सोल्जर भेजेंगे। सोल्जर मतलब कौन भेजेंगे, एंटीबॉडीज भेजेंगे, और ये एंटीबॉडी फाइट करेंगे। सो बी सेल्स आर गोइंग टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, एंड टी सेल्स आर गोइंग टू रिस्पॉन्ड, दे आर गोइंग टू फाइट देमसेल्फ, वो खुद जाके फाइट करेंगे, बराबर। ये हुआ फंक्शंस ऑफ द लिम्फोसाइट। मोनोसाइट क्या करेंगे, देखो जहां पे मुझे इंजुरी हुआ है, जहां पे मुझे इंफेक्शन हुआ है, वहां पे जाके मोनोसाइट का साइज बढ़ेगा, और वो फॉर्म करेंगे मैक्रोफैज। मैक्रो मतलब बड़ा, फैज मतलब खाने वाले, मतलब ये बड़े सेल्स है जो खाएंगे, किसको खाएंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, वायरस को, बैक्टीरिया को खाएंगे।
उसको अंदर लेंगे और डिस्ट्रॉय कर देंगे, तो इट इज फैगोसाइटिक, और जितने भी सेल डेब्रीज है उसको भी रिमूव करेंगे। याद रखो, जो सेल डेब्रीज है, डेब्रीज मतलब कूड़ा कचरा, सेल का कूड़ा कचरा, उसको रिमूव करने वाले को बोलते हैं स्कैवेंजर। क्रो, वल्चर, ये क्या है, कौवा स्कैवेंजर है, वल्चर पता है, ओके, गिद्ध, दैट इज ऑल्सो स्कैवेंजर। स्कैवेंजर मतलब क्या, जो कूड़ा कचरा खाने वाले, मतलब मोनोसाइट है, वो क्या फॉर्म करेंगे, मैक्रोफेज। मैक्रोफेज क्या करेंगे, जितना भी सेल डेब्रीज है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसको रिमूव करने का काम करेंगे, तो उसको बोलते हैं स्कैवेंजर। ये हो गए टाइप्स ऑफ ए ग्रैनुलोसाइट। ओके, तो व्हाट वी हैव लर्न, हम लोगों ने क्या क्या किया, डब्ल्यूबीसी का इंट्रोडक्शन किया, डब्ल्यूबीसी का टाइप्स किया, ग्रैनुलोसाइट्स एंड ए ग्रैनुलोसाइट, एंड उसके बारे में डिटेल्स में हम लोगों ने स्टडी किया। ओके, तो ये था ऑल अबाउट डब्ल्यूबीसी।